हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रजय स्मार्ट लर्निंग में। आज हम किस तरीके से स्टैंडर्ड रेट लगाया जाता है ये हम देखेंगे। स्टैंडर्ड रेट लगाने के लिए हमें क्या करना है, ये तो कंपनी ओपन है। यहाँ पे हम क्रिएट पे जाते हैं या फिर अल्टर में जाते हैं। क्रिएट पे जाएंगे तो हमें नया आइटम बनाना पड़ेगा, अल्टर में जाते हैं तो हम पुराने वाले आइटम जो बनाए हुए उससे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक यहाँ पर नया आइटम ही ले लेते हैं। उसके बाद स्टॉक आइटम पे जाते हैं। स्टॉक आइटम में कुछ ऐसा आइटम बना लेते हैं जैसे हम बना रहे हैं। यहाँ पे हम आइटम बना रहे हैं किस चीज़ का, दुपट्टा। ठीक है, एंटर करते हैं कि प्राइमरी किस में जाएगा, क्लोथ्स में जाएगा। एंटर करते हैं, ये पीसेस पे बिकता है, सही है। अब यहाँ से स्टैंडर्ड रेट लगाने के लिए आपको क्या करना है, हम प्रेस करते हैं और यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम यस कर लेते हैं। उसके नीचे भी ऑप्शन है ऑल ऑप्शन का, इसको भी यस कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, इसको आप हमेशा यस करके रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं, हो गया यस। एंटर और एप्लीकेबल फ्रॉम में आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, जैसे हम डाल रहे हैं 1 अप्रैल 2024। एंटर और रेट क्या देना चाहते हैं दुपट्टा का, जैसे हम दे रहे हैं 200 रुपये। याद रहे ये स्टैंडर्ड कॉस्ट खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। आप सेलिंग करने के लिए 1 अप्रैल 2024 एंटर, और यहाँ पे हम 300 रुपये इस दुपट्टे का रेट कर दे रहे हैं। ठीक है, एंटर। ये नीचे भी एक ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ पे भी डेट इंसर्ट कर सकते हैं जब हम टैली खरीद के काम कर रहे होंगे उसमें किसी कंपनी में। ये तो हम सिखाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं और 2 डेट 3 डेट आप लगा सकते हैं। और कितना रेट है, जैसे 1 अप्रैल 2024 है, ये 200 रुपये है यहाँ पे परचेस करने के लिए, और 1 अप्रैल 2024 से ये बिकेगा तो 300 रुपये सेलिंग करने के लिए। अब हम यही जैसे 1 अगस्त 2024 कर दे रहे हैं और इसका हम रेट परचेस के लिए 250 रुपये कर दे रहे हैं, 250। और 1 अगस्त 2024 इसी तरीके से अब सेलिंग करने के लिए इसका है 300 400, आप जितना दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम एंटर करके हम सेव कर देते हैं, इसको कैप करते हैं, पीछे जाते हैं, वाउचर पे जाते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे परचेज, उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर डाल दीजिए, एंटर करते हैं। अकाउंट में हम कैश कर देते हैं, पार्टी अकाउंट नेम। यहाँ पे परचेज है तो परचेज का लेजर, और आइटम क्या था मेरा दुपट्टा, एंटर। लोकेशन हम पटना कर दे रहे हैं, क्वांटिटी 100 पीस हम दुपट्टा परचेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक रेट दे दिया, यही है स्टैंडर्ड रेट कि हम वहाँ पे अगर रेट लगाए रहेंगे स्टैंडर्ड रेट में तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रेट दे देगा। ठीक है, डिस्काउंट लगाना है आपको, आप यहाँ से लगा सकते हैं कितना परसेंट आपको इस पर डिस्काउंट देना है। एंटर करके हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेल के लिए F8 बटन प्रेस करते हैं और कैश एंटर करते हैं। अब यहाँ पे सेल का लेजर है तो हम सेल का लेजर सेलेक्ट करेंगे। आइटम क्या था मेरा दुपट्टा, एंटर करते हैं। लोकेशन था इसका पटना। क्वांटिटी आपको कितना पीस सेल करना है, ठीक है, तो हम इसमें कर देते हैं 50। ठीक है, एंटर। देखिए यहाँ पे सेल के लिए रेट दिया है 300 रुपये। ठीक, यही है स्टैंडर्ड रेट लगाना। डिस्काउंट लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, वो ऑटोमेटिक आपको रेट दे देगा अगर आप पहले से लगाए रहेंगे स्टैंडर्ड रेट में तो। ठीक है, एंटर करते हैं, सेव करते हैं, बैक जाते हैं। और आप यहाँ से अगर डेट चेंज कर रहे हैं और वहाँ पे 2 डेट हम जैसे बताए थे कि 1
अगस्त 2024 लगाए रहेंगे, तो अगर आप यहाँ पे डेट चेंज कर दे रहे हैं ये अभी काम नहीं करेगा। हम टैली खरीद के काम करते हैं, उस कंपनी में ये काम करेगा। यहाँ पे चेंज कर दिए रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक, अगर हम डेट से हाँ डेट क्रॉस करके करते हैं तो वो आपका, अगर ज़्यादा रेट लगाए रहेंगे 300-400 जैसे हम बोले थे 250 परचेस के लिए, तो जब हम उसको परचेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक रेट हमको 250 रुपये देगा, ठीक है। और सेलिंग करेंगे तो जो भी सेलिंग में लगाए रहेंगे वो रेट देगा। तब तक के लिए इतना ही, उम्मीद है समझ में आया होगा।